शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि का तप धाम। नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है मेरा कुछ नहीं। मेरे पास एक मकान है जिसे मैंने खरीदा है और इधर उधर से सुधार कर खूबसूरत शिष्ट व्यक्तियों के रहने योग्य बना लिया है। मैं इस पर खूब व्यय करता हूँ। प्रति वर्ष पुताई और रोगन सफाई चित्रों में व्यय करता हूँ, पर क्या यह वास्तव में मेरा है? नहीं, कदापि नहीं। मेरे इसमें आने से पूर्व न जाने वह जमीन जिस पर यह खड़ा है कितने व्यक्तियों के अधिकार में आकर निकली होगी। इस घर में कितने ही व्यक्ति आते जाते रहेंगे होंगे। कोई मरकर, कोई गरीबी के कारण कर, कोई प्रकृति के किसी आक्रमण द्वारा बिखर गए होंगे और तब मेरे पास आया होगा यह मकान। मेरे जन्म से पूर्व यह मकान किसी और का था। मेरी मृत्यु के पश्चात न जाने उसका वासी कौन कहे कौन होगा यह, पर वह निश्चय है यह मेरा नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूँ इसमें आश्रय भर लेता हूँ। बस केवल मेरा इससे इतना ही सरोकार है। कृषक का खेत उसका सर्वत्व है। वह उसे रखने के लिए असंख्य आपत्तोए मोले लेता हो। संपूर्ण आयु पर्यंत उसे अच्छा बनाने उपज की वृद्धि में प्रयत्नशील रहता है, पर मूर्ख यह नहीं सोचता कि उसका वास्तव में कुछ नहीं। न जाने वह खेत कितने व्यक्तियों के पास से गुजर चुका है। भविष्य में न जाने कितने उससे के मालिक बनेंगे। मेरे हाथ में एक रुपया आ जाता है, मैं इस अपना कहता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार से बटुए में छिपा कर रखता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूँ कि यह रुपया आवारा है, एक जगह नहीं टिकता, इसकी गति बड़ी तीव्र है। एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे, तीसरे के चौथे, पांचवे, पचासो हजार हाथों में यह चलता फिरता रहता है। किसी एक का नहीं बनता, किसी एक का होकर नहीं रहता। फिर मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो उससे अपना अपना कहकर धमड़ में फूल उड़ता हूँ। मैं क्यों यह ध्रुव सत्य विस्मृत कर बैठता हूँ कि इससे मेरा क्षणिक संबंध है। न जाने कल यह किसके पास होगा, इसका भाविक कार्यक्रम गतिविधि क्या है। मेरे पास असंख्य पुस्तकें हैं, घर की सैकड़ों छोटी बड़ी वस्तुएं हैं, आराम की वस्तुएं हैं, गाय और भैंस है, साइकिल मोटर है, अच्छे वस्त्र है। क्या उसने मेरा सच्चा रिश्ता है? क्या है सदा मेरी होकर रहने वाली है? मैं फिर भूलता हूँ, शूद्र सांसारिक वस्तु के लोभ में इन्हें अपना कहने की मूर्खता करता हूँ। मैं प्रमाद एवं अज्ञान वश यह समझने लगता हूँ कि यह मेरे व्यक्तित्व मेरी आत्मा के अंग है। यही मेरी बड़ी गलती है। यह नाना वस्तुएं भला क्यों कर मेरी हो सकती है? न जाने किस किस का इन पर कब कब अधिकार न होगा। थोड़ी देर के लिए ये मेरे पास एकत्रित हो गई है, फिर न जाने कौन कहाँ बिखर जाएगी। मैं बाल बच्चों का पिता हूँ। मेरी पत्नी बच्चों से अपनी को पृथक नहीं कर पाती। हमारे बच्चे बड़े होंगे, हम न जाने किस किस प्रकार के सहायता प्रदान करेंगे, हमारे दुख दूर करेंगे,
मैं कभी कभी यही समझने की मूर्खता कर बैठा हूँ, पर क्या वास्तव में यह बच्चे हमारे हैं? क्या हमें ही उनके सब कुछ है? क्या उनका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व, आशा, अभिलाषा, अच्छाई नहीं है? नहीं, ये हमारे नहीं है। हमारा उनसे क्षणिक संबंध है। जिस प्रकार पक्षियों के बच्चे समर्थ हो जाने पर उड़ जाते हैं, लौटकर फिर माँ बाप के पास जाकर नहीं रहते, उसी प्रकार यह मानव परिंदे न जाने कब, कहाँ, किस और किस अभिलाषा से उड़ जाने वाले हैं। फिर मैं उन्हें क्यों कर अपना कर सकता हूँ? मैं अपने शरीर को अपना अपना कहता हूँ, साज श्रृंगार से यष्ट समय व्यर्थ करता हूँ, शिष्य में शकल देखकर फूलों नहीं समाता, अपने नेत्रों, कपोल, नासिका, मुख मुद्रा को सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। अपने शरीर के प्रत्यक्ष अवयव पर मुझे गर्व है, पर क्या वास्तव में यह शरीर मेरा है? शरीर मेरा नहीं, वह तो हार्ड मास, रक्त मज्जा, तंतु, वीर्य इत्यादि का पुतला मात्र है। क्या मैं उदर, मुख, पाँव, सिर इत्यादि हूँ? क्या मैं रक्त हूँ, मांस हूँ, अस्थियों का पिंजर हूँ? क्या मैं श्वास हूँ, वाणी हूँ? क्या हूँ? वास्तव में उपरोक्त वस्तुओं में से मेरा कुछ भी नहीं है। इन सब सांसारिक पदार्थों से मेरा संबंध क्षणिक, अस्थायी और झूठा है। अज्ञान तिमिर में मुझे इन वस्तुओं से अपना साहचर्य प्रतीत होगा ता है। मैं तो आत्मा हूँ, इस शरीर रूपी पिंजरे में अकल्प काल के लिए आ बंधा हूँ। मैं ईश्वर का दिव्य अंश हूँ, संसार के निलिप्त हूँ। सांसारिक वस्तुओं से मेरा संबंध क्षणिक है। यदि मैं अल्प लोभ के वंश, स्वार्थ और तृष्णा में लुप्त होता हूँ तो यह मेरा अज्ञान है, मूढ़ता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।